तो आज कैमरा टेस्ट करते हैं Realme GT 6 का, डे लाइट में, लो लाइट में एंड कंप्लीट कैमरा टेस्ट करेंगे और फिर आपको मैं दिखाऊंगा इसका जो क्वालिटी है वो कितना बेटर निकल के आता है, क्योंकि प्राइस है 40,000। बेसिकली इसको किया गया है परफॉर्मेंस टारगेट, लेकिन इस बार कैमरा के ऊपर भी ध्यान दिया गया। यहाँ पर अभी ऐड किया गया इस बार ट्रिपल कैमरा सेटअप, और इस बार यहाँ पर मिलेगा आपको 2x टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल का। तो लेकिन देखते हैं कि पोर्ट्रेट शॉट, सिनेमैटिक वीडियोस, लो लाइट इन्हेंसमेंट कितना इंप्रूवमेंट हुआ पहले से। तो कंप्लीट कैमरा टेस्ट करेंगे, तो आप टोकना फटाफट से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब फटाफट से कर देना। बाय द वे, कल जो है इसका मैं पूरा BGMI टेस्ट लेकर के आऊंगा। आज के लिए कैमरा टेस्ट करता हूँ एंड कल एक और न्यू वीडियो आएगी Xiaomi 14CB के साथ में, फुल कैमरा कंपेरिजन। 8 मेगापिक्सल का मिलता है आपको अल्ट्रा वाइड सेल्फी 32 मेगापिक्सल की। सो लेट्स चेक की क्वालिटी वो कितनी बेटर निकल के आती है, क्योंकि टेलीफोटो कैमरा में इस बार ऐड किया गया सैमसंग के सेंसर एंड सोनी के कैमरा ऐड किया गया मेन वाले सेंसर में। तो चेक करते हैं क्वालिटी कितनी बेटर निकल के आती है। अब यहाँ पर देखो सेटिंग की बात करोगे, ये है 1x एंड ये है 0.6 अल्ट्रा वाइड, 2x 4x। तो यहाँ पर देखो 1x पे स्विचिंग में थोड़ा जिटर मार रहा है, एंड आपको अगर जाओगे पोर्ट्रेट में तो यहाँ पर मिल जाएगा 1x 2x, और जो अपर्चर वैल्यू है बाय डिफॉल्ट में आपको रहता है 4.5 पे। अब प्राइमरी कैमरा की यहाँ बात करें, देखो कलर टोनिंग आपको थोड़े से क्लोज टू नेचुरल कैप्चर कर लेता है एंड पिक्चर में डिटेल्स भी काफ़ी इनअप निकल के आती है। पिक्चर थोड़ा सा सॉफ्ट निकल के आता है डे लाइट कंडीशन में, लेकिन पिक्चर अच्छी निकल के आती है। एंड अगर यहाँ पर देखो थोड़ा सा कलर बूस्ट करता है डे लाइट में, थोड़े से आपको सैचुरेट देखने को लग सकते हैं कभी कभी, लेकिन पिक्चर आई प्रिजन निकल के आती है मेन वाले कैमरा से। एंड माइक्रोशॉट यहाँ पर देखो डेप्थ ऑफ फील्ड थोड़ा बेटर कैप्चर कर लेता है जो मेन सब्जेक्ट है, वहाँ पर डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। एंड कलर काफ़ी बहुत ही कम बूस्ट करता है रियलमी का ये वाला फ़ोन। अब जूम क्वालिटी की यहाँ बात करेंगे, ये है 5x, तो कलर टोनिंग आपको थोड़े से यहाँ पर अंडरस्पोज निकल के आ सकते हैं, लेकिन डिटेल्स इनफ है। 5x पे आपको ज़्यादा पिक्चर पिक्सलेट नहीं होती है, एंड 10x आपको थोड़ा यूजफुल लग रहा है एंड क्वालिटी अच्छी निकल के आती है, और एक्सपोजर भी यहाँ पर वेल मेंटेन रखता है, लेकिन प्रॉपर डिटेल्स जो है उतनी अच्छी निकल के नहीं आती है। एंड 20x पे यहाँ देखो 20x जो है आपको उतना यूजफुल नहीं है, लेकिन आपको जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं अच्छे से अभी भी आपको विजिबल है, आप आराम से इसको रीड कर सकते हो। अब अल्ट्रा वाइड की हम बात करेंगे, आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तो कलर टोनिंग काफ़ी यहाँ पर नेचुरल निकल के आ रहे हैं एंड आपको पिक्चर में एक्सपोजर का थोड़ा सा दिक्कत है, डिटेल्स आपको थोड़े से अच्छे निकल के आते हैं, लेकिन ये वाला एरिया देखो यहाँ पर आपको अंडरस्पोज निकल किया, एक्सपोजर थोड़े से और बेटर होने चाहिए था अल्ट्रा वाइड में, बट पिक्चर यहाँ पर अच्छी निकल के आती है। एंड यहाँ पर देखो ये मैंने क्लिक किया मेन कैमरा से, तो आपको कलर थोड़ा सा यहाँ पर स्किन टोन थोड़ा बूस्ट करता है, नेचुरल तो नहीं है निकल के आते, आई प्रिजन निकल के आते। जूम करने के बाद देखो स्किन टोन आपको नेचुरल देखने को थोड़े नहीं मिलते हैं, लेकिन जो बैकग्राउंड कलर है आपको नेचुरल निकल के आते, स्किन टोन थोड़ा सा क्लोज टू नेचुरल निकल के आता है, बट पिक्चर अच्छी निकल के आती है। जूम करने के बाद देखो जो डिटेल्स है काफ़ी अच्छी निकल के आते हैं फेस पे, एंड पिक्चर बिल्कुल भी पिक्सलेट नहीं होती है। अल्ट्रा वाइड की यहाँ बात करेंगे, देखो बैकग्राउंड आपको यहाँ पर अंडरस्पोज निकल के आए, लेकिन जो सरफेस है वो थोड़ा ओवरस्पोज हो रहा है, तो एक्सपोजर हैंडलिंग अल्ट्रा वाइड का थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। आई होप कि अभी नेक्स्ट वाले अपडेट में इसको फिक्स कर दी जाएगी। जूम करने के बाद देखो डिटेल्स आपको थोड़ा पिक्सलेट हो रहा है, क्योंकि मेगा पिक्सल कम है अल्ट्रा वाइड का। एंड ये वाले अल्ट्रा वाइड में देखो कि आप जो मेरा फेस है, जो टी शर्ट है, आपको थोड़े से ओवरस्पोज निकल के आ रहे, एंड कलर को थोड़ा सा बूस्ट किया है, एक्सपोजर भी थोड़ा यहाँ पर बूस्ट किया है, तो अल्ट्रा वाइड में कंसिस्टेंसी का थोड़ा दिक्कत है। एंड देखो जूम करने के बाद तो डिटेल्स यहाँ पर इनफ निकल के आते हैं, लेकिन स्क्रीन टोन आपको नेचुरल देखने को नहीं मिलती है, ओवर कॉन्ट्रास्ट ही निकल के आती है। देखो यहाँ ये जो अगर वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1080p 60fps एंड ये जाएगा आपको 4K 60fps तक। उसके बाद अगर आप HDR वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो ये रिकॉर्ड कर सकता है डॉल्बी विजन पे 4K 30fps तक जा सकता है ये डॉल्बी विजन वीडियोस। सो अब एक बार यहाँ से आपको अगर ये सिनेमैटिक मोड यहाँ दिया गया नीचे, ये देखो अपर्चर पे क्लिक करोगे ये डेप्थ ऑफ ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा, लेकिन ये डॉल्बी विजन में काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको इसको बंद करना पड़ेगा पहले, फिर जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये 4K 60 पे नहीं ये रिकॉर्ड कर सकता है 1080p 30fps पे, तब जाकर के ये काम करेगा डेप्थ ऑफ फील्ड वगैरह। ओके, तो ये रिकॉर्ड हो रहा है 1080p 60fps पे रियर कैमरा से, एंड देखो ये 2x एंड ये 4x, और 4x पे क्वालिटी आपको थोड़ी बेटर, थोड़ी यूजफुल है। एंड यहाँ से ये जाएगा आपको अप टू 10x तक, देखो ये है 10x, वीडियो के अंदर में जाएगा 10x तक, उतना यूजफुल नहीं है। अच्छा, वीडियो के अंदर में आपको अल्ट्रा वाइड स्विच करने का ऑप्शन नहीं है, तो ये हो चुका है 1x 23mm, और कैमरा फ्रंट कैमरा भी स्विच नहीं कर सकते आप वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के बाद। एंड यहाँ से ऐसा कुछ जिटरिंग तो नहीं है, ये देखो कोई भी जिटरिंग वगैरह मुझे फेस नहीं हुआ। कलर ग्रीन वाला थोड़ा सा यहाँ बूस्ट कर रहा है,
रियर कैमरा। और एक बार यहाँ से मैं चेक करता हूँ ऑटो फोकस कितना फास्ट है। तो ये देखो फोकस चेंज किया मैंने, ऐसा कोई फोकस हंटिंग इश्यूज भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ से तो वीडियो जो है काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड हो रही है। डिटेल्स अगर आप चेक करोगे, डिटेल्स थोड़ा सा और बेटर हो सकता था प्राइमरी कैमरा में। एंड यहाँ से अब मैं चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन। तो यहाँ पर जो है अल्ट्रा स्टेबल मोड अभी ऑफ किया हुआ है। तो कलर थोड़ा यहाँ पर देखो बूस्ट कर रहा है अभी। यहाँ से नोटिस कर सिनेमैटिक वीडियो वगैरह 2x मोड पे अप्लाई करो एक बार। तो 2x मोड एंड वापस 1x मोड एंड एयर रिएक्शन वगैरह एंड फेस पे डिटेल्स टेक्सचर वगैरह यहाँ पर नोटिस कर पाओगे आप अच्छे से। एंड स्किन टोन वगैरह कितने बेटर निकल के आ रही है। और एयर रिएक्शन एक बार नोटिस करो ये एरिया में, फ्रेम स्किप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैमरा मूव करो एक बार। तो आप रिकॉर्ड कर सकते हो 1080p/30fps के सिनेमैटिक मोड में और कलर थोड़ा बूस्ट करता है आदमी। तो ये है 1x पोर्ट्रेट प्राइमरी कैमरा से। यहाँ पर देखो जो बैकग्राउंड है आपको अंडरस्पोज निकल के आ रहे हैं, स्किन टोन आपको थोड़ा सा यहाँ पर बेटर स्पोज रखा है, कलर टोनिंग आपको थोड़े से यहाँ पर अंडरस्पोज निकल के आते हैं, लेकिन कलर टोनिंग आपको ज़्यादा बूस्ट नहीं किया। यहाँ पर देखो जूम करने के बाद जो डिटेल्स काफ़ी इनफ निकल के आती है एंड स्किन टोन थोड़ा सा यहाँ पर क्लोज टू नेचुरल है। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ओवर देखने को लगा है प्राइमरी कैमरा के अंदर में। अब देखो ये है 2x टेलीफोटो कैमरा, तो जो आपको बैकग्राउंड है यहाँ पर ये वाला एरिया थोड़ा सा आपको ओवरस्पोज निकल के आ रहे, कलर थोड़ा सा बूस्ट किया है बैकग्राउंड में। हालांकि देखो जूम करने के बाद जो डिटेल्स काफ़ी इनफ निकल के आते हैं एंड एयर डायरेक्शन भी यहाँ पर बेटर मेंटेन कर लेता है। स्किन टोन थोड़ा सा यहाँ पर आपको ब्यूटीफाइड करता है, कभी कभी आई प्लीजन निकल के आते हैं। एंड अगर यहाँ पर नोटिस करोगे आप जो मेरा फेस है थोड़ा सा आपको ब्यूटीफाइड निकल के आए, तो पिक्चर जो है आपको आई प्लीजन कैप्चर करता है पोर्ट्रेट शॉट में। हालांकि पोर्ट्रेट शॉट में स्किन टोन काफ़ी चीजों को पसंद भी आते हैं ऐसे स्किन टोन। अब यहाँ पर देखो एयर डायरेक्शन भी आपको बेटर मेंटेन है, डेप्थ ऑफ फील्ड बेटर कैप्चर कर लेता है, कलर को ओवर सैचुरेट नहीं करता। अब यहाँ पर देखो थोड़ा चैलेंजिंग था तो जो मेन सब्जेक्ट है उस पर एक्सपोजर को थोड़ा बूस्ट किया, तो कंसिस्टेंसी का आपको थोड़ा स्ट्रगल करता है ये वाला कैमरा कभी कभी, टेलीफोटो कैमरा हो चाहे वो प्राइमरी कैमरा हो चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो। एयर डायरेक्शन तो यहाँ पर बेटर मेंटेन है, डिटेल्स भी बेटर कैप्चर कर लेता है। अब यहाँ पर लाइट ज़्यादा नहीं आ रही थी बट पिक्चर जो है यहाँ पर देखो कि थोड़े से आपको स्किन टोन को बूस्ट किया, ब्यूटीफाइड किया, बट पिक्चर अच्छी निकल के आई है। एंड अगर यहाँ पर देखो जो सामने से एक थोड़ी सी लाइट आ रही थी हल्की सी लाइट, तो यहाँ पर भी आपको कॉन्ट्रास्ट ओवर देखने को लग रहे हैं। जो मेरे हेयर है जो मेरे बियर्ड है आपको ओवर ब्लैक देखने को लग रहे होंगे, लेकिन एयर डायरेक्शन बेटर मेंटेन कर लेता है और कलर टोनिंग बैकग्राउंड के फोरग्राउंड के अच्छे निकल के आते हैं। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ GT6 के फ्रंट कैमरा से 1080p/30fps पे, 4K 30 तक जा सकता है, 60fps का ऑप्शन नहीं है, 0.8x ये एंड 1x। सो डिटेल्स तो फेस पे आपको इनफ देखने को लग रहे हैं और कलर को थोड़ा सा यहाँ पर स्किन टोन थोड़ा सा ब्यूटीफाइड करता है। एक बार सनलाइट जो है थोड़ा लो है, सामने से आ रही है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। सो यहाँ से एक बार मैं चेक करता हूँ क्वालिटी एंड ये आपका 0.8x और ये 1x। और अपोजिट सनलाइट में चेक करोगे यहाँ से तो फेस पे एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन कर लेता है एंड जो कलर एक्यूरेसी है बैकग्राउंड में वो भी आपको नेचुरल कैप्चर कर रहा है। सो एक बार यहाँ से स्टेबिलाइजेशन जो है आपको वर्क करता है इसके फ्रंट कैमरा में, यस वर्क करती है। तो अब यहाँ से मैं चेक करता हूँ स्टेबिलाइजेशन। अब सेल्फी में यहाँ पर देखो एक्सपोजर थोड़ा बूस्ट किया, जो मेरा टी शर्ट है थोड़ा सा बूस्ट निकल गया, सरफेस थोड़ा सा बूस्ट निकल गया, लेकिन ये वाला एरिया आपको अंडरस्पोज निकल गया है। तो एक्सपोजर हैंडलिंग स्ट्रगल थोड़ा किया है सेल्फी के अंदर में। आपको मिलता है 32 MP का सेल्फी कैमरा एंड अगेन यहाँ पर देखो अपोजिट सनलाइट में, तो अगेन द सनलाइट में जो मेन सब्जेक्ट है थोड़ा यहाँ पर अंडरस्पोज निकल गया एंड बैकग्राउंड आपको ओवरस्पोज निकल के आ रहे, तो थोड़ा यहाँ पर स्ट्रगल किया है एक्सपोजर को मेंटेन करने में। एंड अगेन पोर्ट्रेट शॉट में स्किन टोन आपको थोड़ा सा ब्यूटीफाइड आई प्रिजन कैप्चर कर लेता है, बैकग्राउंड में कलर थोड़ा बूस्ट करता है, कॉन्ट्रास्ट आपको ओवर देखने को लगता है,
लेकिन पिक्चर जो है ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, आपको पसंद भी आ सकते हैं। ऐसे स्क्रीन टोन डिटेल्स काफ़ी इनफ है, एडेक्शन वगैरह अच्छे से मेंटेन कर लेता है। और अगर आपको नेचुरल सेल्फी क्लिक करना है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर दिक्कत हो सकता है। एंड अगर यहाँ पर सनलाइट जो थी आपको थोड़ा मिड था, ज़्यादा हार्ड सनलाइट नहीं था, बट स्टिल देखो कि आप बैकग्राउंड थोड़ा सा ये वाला एरिया आपको बेटर स्पोज निकल के आया। एंड यहाँ पर आपको पिक्चर अंडर स्पोज निकल के आते, पिक्चर आपको यहाँ पर भी अच्छी निकल के आती है। जूम करने के बाद देखो जो एडेक्शन आपको अच्छे से मेंटेन कर लेता है और डिटेल्स भी काफ़ी इनफ निकल के आती है। एंड अगर यहाँ पर नोटिस करोगे ये वाले सेल्फी में आपको थोड़े बेटर देखने को लग सकते हैं। तो सेल्फी में मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम तो नहीं लगा, लेकिन पिक्चर थोड़ा सा आई प्लीजिंग निकल के आता, नेचुरल तो नहीं है, थोड़ा आई प्लीजिंग कैप्चर कर लेता है। एडेक्शन भी डेप्थ फील भी अच्छे से बेटर मेंटेन कर लेता है, तो मुझे यहाँ पर दिक्कत देखने को नहीं लगा। अगेन द सनलाइट में थोड़ा दिक्कत फेस कर रहा है कभी कभी कैमरा, जो डायनेमिक रेंज है उसको अच्छे से प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाता है। तो आई होप कि नेक्स्ट वाले अपडेट वगैरह भी अभी आएंगे तो इसको फिक्स कर दी जाएगी। लो लाइट भी यहाँ पर देखो, नाइट मोड अनेबल करने के बाद जो डार्क वाला एरिया है स्लाइटली बेटर स्पोज निकल के है। एंड सॉमिन है, एंड यहाँ पर देखो डिटेल्स भी काफ़ी नफ निकल के आती है जूम करने का लो लाइट में। अब यहाँ पर देखो जो कलर एक्यूरेसी है लो लाइट में काफ़ी अच्छी यहाँ पर मेंटेन कर लेता है। जो टेक्स्ट है ग्लोइंग टेक्स्ट उसको ओवर एक्सपोज बिल्कुल भी नहीं किया, एंड बैकग्राउंड एक्सपोजर को अच्छे से मेंटेन कर लेता है। पोर्ट्रेट शॉट अगर बात करोगे लो लाइट में यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है आपको, क्योंकि स्किन टोन थोड़ी नेचुरल निकल के नहीं आते। लेकिन जूम करने के बाद देखो यहाँ पर एज डायरेक्शन थोड़ा डिटेल मिस कर देता है लो लाइट में कभी कभी, लेकिन डेप्थ ऑफ फील्ड काफ़ी यहाँ पर कैप्चर कर लेता है। एंड फ्रंट कैमरा में यहाँ पर देखो सामने से एक स्ट्रीट लाइट आ रही थी, स्किन टोन थोड़ा सा यहाँ पर ब्यूटीफाइड किया, थोड़े बूस्ट किया नाइट मोड अनेबल करने के बाद फ्रंट कैमरा में। एंड बट पिक्चर आपको काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकल के आती है स्ट्रीम लो लाइट में। यहाँ पर देखो नाइट मोड अनेबल करने के बाद पिक्चर आपको वेल स्पोज निकल के आती है, जो मेन सब्जेक्ट है आपको वो ज़्यादा ब्यूटीफाइड यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करता है। तो सेल्फी मुझे काफ़ी देखने को लगा है, जूम करने का देखो जो डिटेल्स काफ़ी ना है फेस मेंटेन्ड है। तो लो लाइट जो परफॉर्मेंस है मुझे काफ़ी से देखने को लगा है इसका फ्रंट कैमरा का। अब देखो यहाँ पर एकदम थोड़ा सा एक हल्की लाइट आ रही थी, बट स्क्रीन टोन वगैरह अच्छे से कैप्चर कर लिया है। और तो लो लाइट में जो फ्रंट कैमरा है मुझे थोड़ा बेटर देखने को लगा, थोड़ा सा इंप्रूव्ड है पहले की तरह से। ओके, अब देखो गाइज अकॉर्डिंग टू प्राइस कंडीशन यहाँ जो परफॉर्मेंस दिया गया है वो तो काफ़ी आपको देखने को लगता है। स्पीकर क्वालिटी भी काफ़ी लाउड है और गेमिंग भी आपको काफ़ी से देखने को मिलता है। BGMI के अंदर आपको मिलता है 90 FPS का सपोर्ट, और यहाँ पर गेमिंग में काफ़ी आपको अलग अलग मोड भी दिए गए हैं। तो कैमरा जो है आपको एक अराउंड टू प्राइस के मुझे काफ़ी अच्छा देखने को लगा। थोड़े बहुत यहाँ पर बग्स है कैमरा के अंदर में, एंड थोड़े बहुत इशूज हैं। आई होप कि नेक्स्ट वाले अपडेट पर इसको फिक्स कर दी जाएगी। अभी यहाँ पर एक भी अपडेट इस फोन के अंदर नहीं आया। और बाय द वे कल मैं लेके आऊँगा इस फोन का कैमरा कंपेरिजन Xiaomi 14CB के साथ में, क्योंकि वहाँ पर भी प्राइस दोनों का सेम है, प्रोसेसर भी काफ़ी सेम है। तो ठोकना एक लाइक बटन, एक हार्ड वर्क करिए। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर।